इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक पहला और मुकद्दस महीना मुहर्रम शुरू होने में कुछ ही दिन बाकी हैं और अब इसी की तैयारियां जोरों शोर से चल रही हैं। इसी के मद्देनज़र बांडीपुरा के ज़िला कमिश्नर सज्जाद अहमद ने गुरुवार को एक बैठक बुलाई जिसमें ज़िले में मुहर्रम की तैयारियों का जायज़ा लिया गया। बैठक में ज़िला कमिश्नर के अलावा बिजली, पानी व ग्रामीण विकास विभाग के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में मुहर्रम में लोगों को बिजली व पानी के साथ साथ राशन की किल्लत को भी दूर करने पर चर्चा की गई, जबकि ज़िले में साफ सफाई को लेकर भी आला अधिकारियों ने चर्चा की। वहीं मुहर्रम से पहले लोगों में सोलर लाइट्स बांटी जाएंगी ताकि लोगों को बिजली की किल्लत से छुटकारा मिल सके। तिथि मुहर्रम अरेंजमेंट जिसके बारे में, क्योंकि आपको पता है कि सिंबल डिवीजन में हमें बहुत सारे गांव जो जहां पे शिया आबादी रहती है, कुछ 35,000 आबादी इस तबके से वाबस्ता है, तो मुहर्रम भी आने वाला है। इस चीज़ के लिए हमने तैयारी का जायज़ा लिया। यहाँ पे ऑनरेबल MSC साहब भी हमारे साथ थे, इस बारे में हम चलते नहीं, मुश्किलों का अजाला क्या, इसमें हम बाहर ही करते हैं। चाहे PGD का क्या इस साल उनका प्रयोजन क्या है, उनके अरेंजमेंट इस मुहर्रम के हवाले से क्या है, चाहे रोड स्कीप कंडीशन के बारे में, परमानेंट रेस्टोरेशन का वहाँ पर मैग्नमाइजेशन का स्टेटस, बाकी ऐसे ही जो बाकी डिपार्टमेंट है PHC उनका हमने रिव्यू ले लिया कि उन्होंने मुहर्रम के लिए क्या क्या अरेंजमेंट्स किए हैं। ये मुहर्रम के रिलेटेड मीटिंग थी, मुहर्रम में देखना था कि क्या जायजा लेना था, हमारी तैयारी कहाँ पर है, मुहर्रम के लिए रिलेटेड मीटिंग थी, बाकी कुछ खास नहीं। सारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जितने भी थे, रूरल डेवलपमेंट था, PHE था, बाकी हेल्थ थे, RN भी थे, सारा कोई। पानी की किल्लत है ही, दरअसल जो ये इलाका है, कुछ जो हम लेंगे सोनावारी के जो नौगाम, जालपुरा, बाकी एरियाज जो है,